नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज हम लेकर आते हैं आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आप सभी के साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की जब दशा ठीक होती है तो उसके सारे काम बनने लगते हैं, और जब किसी भी व्यक्ति की दशा खराब होती है तो उसके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे, राजस्थान की प्रसिद्ध दशा माता के बारे में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए जान लेते हैं पंडित जी से दशा माता के बारे में। गुल्लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर माँ दशा माता का, माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, जब जब भी भक्तों ने अपने हृदय से मातेश्वरी का, माँ भगवती का स्मरण किया है तो समय साक्षी है कि माँ जगदम्बा तत्काल किसी भी रूप में अपने भक्तों का संकट दूर कर उसे अपार स्नेह और वात्सल्य प्रदान करती है। आप मन से पुकारिए तो कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान, तो हमारे बस में है माता रानी। लेकिन यदि कोई छल कपट या अहंकार से माँ को चुनौती देता है तो उस पर अपार कोप ढाती है माता रानी। ये जो माँ है जगदम्बिका, वो बस प्रेम की भूखी है, इसलिए पाखंड ना करके केवल प्रेम से, सच्चे हृदय से माँ का स्मरण करें। जकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार कीजिए, माँ आपके सब दुख दूर कर आपको मोक्ष प्रदान करेगी। तो आज मैं आपको देवी के एक ऐसे ही रूप माँ भगवती दशा माता के व्रत के बारे में बता रहा हूं, जिसको घर की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इस व्रत को करने के पीछे जो मूल भाव है वो घर की जो बिगड़ी हुई जो दशा है उसको सुधारना है। तो यदि आपको लगता हो कि आपके घर की, आपके परिवार की जो दशा है वो लगातार बिगड़ती जा रही है, यदि आपको लगता है कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो दोस्तों, इस बार रविवार दिनांक 3 अप्रैल 2016 दसवीं तिथि को किए जाने वाले व्रत, दशा माता का व्रत जो है वो आपके सभी दुखों को दूर करने में सक्षम है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। कुछ जगह पे जो दशा माता का व्रत है आज शनिवार को भी किया जाएगा और कुछ जगह कल रविवार को भी किया जाएगा। तो चैत्र मास की दसवीं तिथि को दशा माता पर्व मनाया जाता है। दशा माता पर्व के दिन महिलाएं जो हैं वो माँ भगवती का जो रूप है दशा माता, उसका पूजन करती हैं। नाम ही दशा है, तो कहते हैं कि दिशा मानव की दशा को बदल देती है। तो आज मैं आपको जो दिशा दे रहा हूं वो दशा माता के बारे में है। तो उनकी कथा का श्रवण करती हैं, साथ ही पीपल और वट वृक्ष पर सूत का धागा बांधा जाता है, परिक्रमा की जाती है। और दशा माता के व्रत के दिन एक बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि घर में नई झाड़ू अवश्य खरीद के लाए और उसका पूजन करके उसके पश्चात में उसको काम मिले। तो दशा माता के व्रत के दिन नई झाड़ू का पूजन का विधान है। पानी के लिए मिट्टी का नया मटका जो है वो घर में रखने का विधान है। इन दोनों चीज़ों को रखने से निश्चित तौर पे आपके घर की जो बिगड़ी हुई दशा है वो बदलती है। तो याद से रविवार के दिन झाड़ू खरीदना मत भूलिएगा और नया पानी का मटका डालना मत भूलिएगा। होली के दसवें दिन राजस्थान और गुजरात प्रांत में विशेषकर दशा माता व्रत पूजा का विधान है। हमारे राजस्थान में तो बहुत है, गांव-गांव में दशा माता का पूजन किया जाता है। सौभाग्यवती जो महिलाएं हैं ये व्रत अपने पति के दीर्घायु के लिए करती हैं, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए करती हैं। प्रातःकाल जल्दी उठकर आटे से माता
पूजन के लिए विभिन्न प्रकार के गहने बनाए जाते हैं, विविध प्रकार की सामग्री बनाई जाती है। पीपल के वृक्ष की छांव में ये पूजा करने की रीत है। कच्चे सूत के साथ पीपल की परिक्रमा की जाती है। पीपल के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। उसके पश्चात पीपल को चुनरी उड़ाई जाती है। पीपल छाल को सोना समझ के, उसकी जो छाल है उसको सोना समझकर घर लाया जाता है, तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है। समूह में बैठकर जो महिलाएं हैं वो व्रत से संबंधित 10 कहानियां सुनती हैं, कहती हैं। दशा माता पूजन के पश्चात पथवारी पूजी जाती है। पथवारी पूजन जो है वो घर की समृद्धि के लिए किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से सिद्ध किया कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सब कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब मनुष्य की दशा प्रतिकूल हो जाती, कहते हैं ना कि समय ठीक नहीं है, तो अत्यधिक परेशानी होती है। किसने देखा उस समय को, अचानक कोई घटना घटित होती है और हम कहते हैं कि समय ठीक नहीं था इसलिए ऐसा घटित हो गया। इसी दशा को दशा भगवती या दशा माता कहा जाता है। हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा और व्रत करने का विधान है। सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने परिवार की प्रतिकूल दशा को सुधारने के लिए दशा भगवती या दशा माता की पूजा करने की मान्यता है। 9 देवी और 9 ग्रहों को प्रसन्न करने का व्रत अनुष्ठान भी किया जाता है। दशा माता की पूजा और व्रत का बहुत ही बड़ा विधान बताया जाता है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। इसलिए दशा माता के व्रत को करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी सभी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाने वाला है। और दशा माता का डोरा विशेष तौर पर बांधा जाता है पूजा करने के बाद। पीपल की जड़ में से उसको डोरा निकाल के आज के दिन या कल के दिन उसको बांध लिया जाता है, फिर अगले साल में तक में उसको बांधे रखा जाता है, क्योंकि वो दशा माता का जो डोरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा के पश्चात में उस डोरे को धारण करना, अपने परिवारजनों को धारण करना, क्योंकि वो यदि गले के अंदर है तो निश्चित तौर पे माँ भगवती दशा माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में, आपके घर में किसी भी प्रकार की बिगड़ी हुई दशा का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, पंडित जी जो आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो आप सभी के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, अभी तक हमने दशा माता का महत्व जाना, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं दशा माता के व्रत की विधि के बारे में। आइए जानते हैं कि कैसे करें दशा माता का व्रत। दशा माता का जो व्रत है वो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है, जो कि इस बार 3 अप्रैल 2016 रविवार के दिन किया जाएगा। चूंकि 10वीं तिथि उस दिन सुबह 7:34 तक ही है, लेकिन चूंकि सूर्योदय के समय 10वीं तिथि, इसलिए पूरे दिन उस व्रत का विधान है। कुछ जगह पे शनिवार यानी आज के दिन भी, चूंकि 10वीं तिथि अभी 8:30 बाद लग जाएगी, तो आज दोपहर में भी दशा माता का व्रत कुछ जगह पे किया जाएगा। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। कच्चे सूत का 10 तार का डोरा जिसमें 10 गठाने लगाते हैं उसे लेकर पीपल की पूजा करती हैं। उस डोरे की पूजन करने के पश्चात में कथा सुनती है, उसके बाद डोरे को गले में बांधती है, एक ही प्रकार का अन्न एक समय में खाती है। भोजन में नमक नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए कि दशा माता व्रत जो है वो जीवन भर किया जाता है, इसका कभी भी उद्यापन नहीं होता है। तो कुछ जगह आजकल उद्यापन भी कर दिया गया है, पर शास्त्रों में विधान नहीं है। जब भी उद्यापन करें तो 10 महिलाओं को, अगर कोई चाहता है कि मेरे को उद्यापन करना है तो 10 महिलाओं को आप आमंत्रित कर सकते हैं और उनको भोजन करवा सकते हैं। और जहां जिस तरीके से अपन जो धागा होता है तो वैसा चांदी का धागा बना लीजिए और वो चांदी के 10 धागे बनवा के एक एक सुहागन महिला को दे दीजिए, तो इस तरीके से उद्यापन भी किया जा सकता है। वैसे शास्त्रों में इसका विधान नहीं है, वो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पर अगर आपके मन की भावना है तो आप कर सकते हैं। तो 9 सूत का कच्चा धागा और 1 सूत व्रत करने वाली के आंचल से बनाकर उसमें 8 गांठें लगानी चाहिए। दिन भर व्रत रखने के पश्चात शाम को गंडे की पूजन करनी चाहिए। 9 व्रत तक तो शाम को पूजन होता है, क्योंकि ये होली से ही शुरू हो जाता है अगले दिन से,
और दसवें व्रत में दोपहर के पहले ही पूजन कर लिया जाता है। तो जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन पूजा ना होने तक किसी भी मेहमान का स्वागत नहीं करें। स्वागत इन द सेंस कि घर में भोजन बना के भोजन नहीं खिलाएं उनको। एक नोक वाले पान के पत्ते पर चंदन से दशा माता की मूर्ति बनाकर पान के ऊपर गंडे को दूध में डुबो कर रख दीजिए। हल्दी कुमकुम अक्षत से पूजन करें। घी गुड़ का भोग लगाइए। हवन के अंत में दशा माता की कथा अवश्य सुनिएगा। पूजा के अंत में यदि हवन करते हैं तो हवन के अंत में, नहीं तो पूजा के पश्चात में। कथा समाप्त होने पर पूजन सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर उसे कुआं, तालाब या जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक दशा माता की पूजा करने का विधान बताया गया। इससे दशा माता प्रसन्न होती है। और कुछ भी नहीं कर सके तो पीपल के वृक्ष के पास चले जाइए, परिक्रमा कीजिए, दशा माता से प्रार्थना कीजिए, दशा माता का डोरा अपने गले में बांध दीजिए, अपने परिवारजनों के गले में बांध दीजिए। एक सिंपल प्रोसेस से भी यदि आप दशा माता की पूजा करती हैं तो दशा माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से इस व्रत को पीपल दशा भी कहा जाता है। भगवती जगदम्बा ने महिषासुर नामक दैत्य के वध के बाद दशा माता का रूप धारण किया था। दशा माता स्वरूपा देवी की आराधना से मनुष्य की जो दशाएं हैं वो अच्छा फल देने लगती हैं। तो दोस्तों, इस घर की जो महिलाएं हैं, विशेष तौर पे हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप दशा माता का व्रत जरूर कीजिएगा। राजस्थान का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है और इस व्रत की बहुत महिमा बताई गई है। तो पीपल के वृक्ष की पूजा करके दशा माता का डोरा बांधिएगा और कथा अवश्य सुनिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक के बाद जल्द वापस हाजिर होते हैं और पंडित जी से जानेंगे दशा माता की कथा।